गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसजीएम पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास सेवन सब्जेक्ट मैथ। पिछली वीडियो में हमने जो डेसिमल था उसका मल्टीप्लिकेशन किया था, इस बार हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, हमें डिवाइड, जो डेसिमल नंबर होता है उनका हमें डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे पहला हमारा डिवाइड है, पहला डिवाइड है वो क्या है, 14 लिखा हुआ है। डिवाइड 82.722 बाय 14। ठीक है, ठीक है। तो डिवाइड करना तो हमें नॉर्मल आता है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड जैसे करते हैं हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम 14 का डिवाइड करने जा रहे हैं 87.22। ठीक है, डिवाइड जैसे हमें सीखा है वैसे ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो 14 का डिवाइड हम 87 में करेंगे। ठीक है, पहले 87 में करेंगे, कितने टाइम्स होगा ये, 6 टाइम्स। देखो 14 सिक्स जा 284। ठीक है, 84 हो गया, और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब देखो, अब डेसिमल के बाद वाला अंक हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, डेसिमल का, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है तो डेसिमल के बाद वाला अंक लेंगे। तो डेसिमल अब यहाँ काउंट करेंगे, जब डेसिमल के जस्ट बाद वाला जैसे ही अंक हम उसको लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और इस वाले अंक को ले लेंगे। ठीक है, अब 14 2 28 28 हो गया 4, और अब इस वाले को बार बार डेसिमल नहीं लगा, एक बार डेसिमल लगा लिया, अब इस वाले को भी ले लेंगे। ठीक है, और ये 3 टाइम्स कितना हो गया, 42। बस यही हमारा आंसर हो गया, ये डेसिमल में हो गया। ठीक है, ये डिवाइड हो गया डेसिमल में। जैसे अब डेसिमल का 10 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन करते समय हम क्या करते थे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे कोई भी डेसिमल का 2 3। ठीक है, और 10 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे 2 3 0। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा था, यहाँ पे इस साइड राइट साइड क्या हो रहा था हमारा, ये 1 पॉइंट, जैसे 10 का कर रहे थे तो 1 पॉइंट डेसिमल राइट साइड हो जाता था, अगर 100 का करते तो 2 पॉइंट राइट साइड डेसिमल हो जाता, लेकिन डिवाइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड डेसिमल अब आने लगेगा। कहाँ, जैसे हम 1.23 ले लें, ठीक है, 10 का डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, जब लेफ्ट साइड आएगा तो आएगा 0.1 2 3 10। अब ये क्या, आप ये मत कहना कि ज़ीरो क्यों लगा, ज़ीरो को आप ऐसे ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा अच्छा देखने के लिए ज़ीरो पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं अगर हम ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो हमने ज़ीरो लगा दिया और ये 10 हट जाएगा, ये जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम कोई भी नंबर है 2 3.40, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट डेसिमल इस साइड आ जाएगा, 1 पॉइंट जैसे ही हम इस साइड करेंगे तो क्या आएगा, 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसी को क्या करते, इसी को हम 100 से डिवाइड करते तो डेसिमल 2 पॉइंट यहाँ आता, लेफ्ट साइड 2 पॉइंट आता, तो क्या आ जाता, 2 3 4 0 पॉइंट, बस यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 1000 होता तो यहाँ पे 3 पॉइंट निकल आता। अब 3 पॉइंट के लिए देखते क्या करते हैं। ठीक है, जैसे ये है, अब हमने क्या किया, अब यहाँ से किया 1000 से किया, अब 3 पॉइंट यह नंबर यहाँ लाना है तो क्या करेंगे, ये तो 2 पॉइंट है केवल, 1 पॉइंट तो दिख नहीं रहा, तो 0 के साथ इस 3 पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। 0 लगा दिया ना, ये 2 पॉइंट हो गए, और ये एक और नंबर है, तो इसके आगे मैंने क्या किया, 0 को काउंट कर लिया, अब हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल डिवाइड है, जैसे 23.5 है, इसका डिवाइड करना आपको आता ही होगा, जैसे लिखा हुआ है 23y5। इसको कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 23 में, देखो डिवाइड करो, अब क्या करो, डिवाइड करो तो क्या 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 20 हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो डिवाइड नहीं हो सकता, जब डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 काउंट कर देंगे, डेसिमल लगा के हम 0 काउंट कर देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर भी नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने डेसिमल लगाया। अब डेसिमल जैसे ही लगाया तो ये 6 टाइम में ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4.6 डेसिमल में हो गया ना, ये सर डेसिमल में आ गया। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 3C कंप्लीट करनी है, कौन सी एक्सरसाइज, होमवर्क में
एक्सरसाइज 3C।